लाइन चाहिए। मोदी मोदी कह रहे 15 लाख रुपए मिले, हाँ मिले, मिले कह रहे रोड कहाँ है, हमारे पास तुम्हारे, हमारे पास तो नहीं है, हमें मिले 15 लाख, हमें मिले, अरे हमें मिले 15। चांदनी चौक की हालात पहले कैसी थी, अब कैसी है, देखो बस नहीं, जगह की यही हाल है। एक मिनट में बताऊं मेरे भाई, आप मोदी आप सुनो, अरे सुनो मेरे भाई, ममता आएगी, ममता आएगी 2024, ममता आएगी, ममता केजरीवाल। अरे मेरे भाई, अरे सुन तो, सुन तो, सुन तो ले मेरे भाई, 15 लाख मिले, 15 लाख, अरे रुको, सुनो मैं बताता हूँ, अरे सुनो तो सही, अरे मेरे भाई सुन तो लो, 15 लाख एक बार नहीं, हमें तो 5 बार मिले, 370 गई, 3 तलाक गया, मंदिर बना, घुस के मारा पाकिस्तान में, घुस के मारा, और कितने 15 लाख चाहिए भाई, 15 लाख ये 15 ऐसे जुमला भाई, ये वोट के चक्कर में 15 लाख देने वाले हैं, कहते हो, अरे हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी, सुनो, अरे सुनो, अरे बांग्लादेशी भारत में आता ही सिर्फ पैसे के लालच में है कि वहाँ पैसा है, वहाँ से पैसा लेऊंगा। बांग्लादेशियों की यही हालत है, बांग्लादेशियों की यही हालत है, कुछ भी नहीं, 24 में नहीं है, अरे एक के कहने से कुछ नहीं होती, एक से कुछ नहीं होती, भगवान करे जितने भी है बांग्लादेशी, अरे सुनो, जितने भी है बांग्लादेशी, ये आई पैसे के लालच में है, हम राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए मरेंगे। सीढ़ी चुनाव आ गया, केजरीवाल ने 10 चुनावी दावे ठोक दिए हैं, कैसे लगे उनके वादे? एकदम झूठे, जैसे वो पहले झूठ बोलता आ रहा है, 3 बार सरकार बना ली, अब भी वही हाल होगा, जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सारे वादे तो पूरे कर दिए जितने वो कहते हैं। कौन से वादा पूरा किया बताओ, एक बात बताओ, पोल्यूशन खत्म कर दिया सरकार, उसके मोदी जी को आना पड़ेगा। अरे मोदी पहले वो कहता था कि पंजाब में मेरी सरकार बनने दो, फिर देखो पोल्यूशन, 36,000 रुपए का पोल्यूशन का वो चूरन लेके आया, 3.5 लाख रुपए उसको बनाने में लगाए, और 310 दिल्ली के 310 किसानों को उसने बांटा, और 7.5 करोड़ रुपया उसकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करे। अरे हम तो ये कह रहे हैं भाई, तू हमारा ये नहीं है, ये तो आरटीआई का खुलासा है, आरटीआई का खुलासा है, बब्बर साहब ने जो परसों 4-5 दिन पहले टीवी पे करा। अरे भाई तू चाहता क्या है ये बता देना। वो तो हर आदमी का 15 से 20 हजार रुपए महीना बचा रहे, गुजरात में कह रहे कि 27 हजार बचेगा, दिल्ली वालों का 15 से 20 हजार बच रहा है। भाई भाई मैं आपसे पहले दिखा चुका हूँ, ये लो, ये आज का पानी का बिल है 60,000। कितना? 60,000 रुपए 6 महीने का, 6 महीने से मैंने 4 महीने भरा नहीं, 2 महीने का आता है, 4 महीने भरा नहीं, ये 60,000 रुपए। मेरा परिवार है सिर्फ 4 जनों का, 2 मियां बीबी और 2 छोटी बच्चियां बस। पर वो तो कहते हैं कि 3,000 बिजली पानी का बच रहा है, फिर 5,000 शिक्षा का बच रहा है, 5,000 हॉस्पिटल का बच रहा है, फिर बसों में घूम रहे हैं। अरे भाई जो सर पैसे क्यों मांगते हैं, जो सरकार, जो लड़का जो लड़की 15,000 रुपए 17,000 रुपए महीना कमाती है वो बस में सफर करती है, मेरी बहन, मेरी पड़ोसन, मेरी बिटिया सब सफर करती हैं। जब वो 15,000 का फोन रख सकती है तो क्या 5 रुपए की टिकट नहीं ले सकती? वो नहीं चाहती फ्री दो, आज वो चाहती है कि सिर्फ सुरक्षा, सुरक्षा। क्या कहेंगे, केजरीवाल कह रहे कि जब से मेरी एंट्री हुई है मोदी की नींद उड़ी हुई है। पहले तो मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, बनारस वालों ने बता दिया था मोदी की कितनी नींद उड़ी है, ठीक है, अभी गुजरात में ना पिछले साल की तरह फिराल हो जाएगा। मोदी से तुलना कैसे कर रहा है वो इंसान, वो कह रही काम करना सीखना है तो हमसे सीखे, हम बताएंगे स्कूल कैसे बना। भोज कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, ठीक है, मोदी जी से कोई तुलना ही नहीं है। मोदी तो छोड़ो, बीजेपी के किसी छोटे लीडर से ना उससे भी तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? उतना बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। जुमलेबाजी तो मोदी जी करते हैं, हम तो काम करते हैं। सर वो काम उसका दिखता ही नहीं है, कहीं नहीं करता काम, तमाम कहाँ काम दिख रहा है, काम तमाम करने वाला काम है, सिर्फ प्रचार करना, प्रचार से काम नहीं हो जाता है, ठीक है। सरकार कैसे बनती जा रही है हम बताएं, पंजाब पुलिस इनके हाथ में आई, वो मारे गए, वो सुधीर सूरी मारे गए, और अगर ये दिल्ली पुलिस इनके हाथ में होती ना तो ऐसे हर रोज मारे जाते और पता नहीं चलता कौन कब मर गया, कौन प्रधानमंत्री तक मर जाते पता नहीं चलता, मैं बता रहा हूँ। एक बार पंजाब पुलिस मिली यहाँ से जो उनको उठा के ले जा रहा था, राज्यों में आज के टाइम में कांग्रेस की सरकार है, 2 में ही उन्होंने बना ली, अब कह रहे गुजरात भी गया। ये तो दिल्ली तो राज्य है ही नहीं, इसे तो छोड़ दो, गुजरात गया कहाँ, 4 तारीख को कर दिया उसने, डर के मारे, 4 तारीख को कर दिया उसने वोट की, वोट की वहाँ पे 4 तारीख को है ना वोट दिल्ली में, तभी डर के, तो वो कह रहे बीजेपी डरी हुई है इसलिए एमसीडी का चुनाव अभी ला दिया, बीजेपी डरी हुई है, डर के मारे तो वो वहाँ पे कर दिया, डर के मारे वो कर दिया, देख लेना तुम। आपकी बात बिल्कुल सही है, बीजेपी डरी भी है,
परंतु नींद खराब केजरीवाल की हुई भी है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, जो आदमी अपनी खांसी का इलाज ढंग से नहीं करा पाया उसके इलाज के लिए भी मैं आपको बता दूं, आज से 7.5 साल पीछे मोदी जी के जब ये पैर छूने गया था पीएमओ में, तब उन्होंने ही कहा था कि तू बंगलौर से जाके इलाज करा, तभी इसकी खांसी थोड़ी बहुत सही हुई थी, परंतु इनने दिल्ली की जनता को खांसी दी है, दिल्ली की जनता की बददुआएं इसको बिल्कुल विनाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। वो कह रहे कि अगर एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए तो काम होगा, कूड़े का ढेर हट जाएगा। कहाँ ले जाएगा कूड़े के ढेर को? कूड़े के ढेर को कहाँ ले जाएगा? अपने घर ले जाएगा? कोई भी मेट्रो सिटी होती है उसमें कूड़ा निकलता ही है और उसके लिए डंपिंग ग्राउंड बनाए ही जाते हैं, उस कूड़े को किस तरीके से खत्म करा जाए वो प्लानिंग होनी चाहिए। जो आदमी 8 साल में जमुना को साफ नहीं कर पाया, जो आदमी दिल्ली की सड़कों की हालत नहीं सुधार पाया, वो कूड़े के ढेरों को कहाँ ले जाएगा? वो बताए तो सही ना उसकी प्लानिंग क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इनसे ये मोदी मोदी कह रहे 15 लाख रुपए मिले, हाँ मिले, मिले कह रहे रोड कहाँ है हमारे पास, तुम्हारे हमारे पास तो नहीं है, हमें मिले 15 लाख, हमें मिले, अरे हमें मिले 15 लाख। चांदनी चौक की हालात पहले कैसी थी अब कैसी है देखो, बस नहीं जगह की यही हाल है। एक मिनट में बताइए मेरे भाई, आप मोदी आप सुनो, अरे सुनो मेरे भाई, ममता आएगी, ममता आएगी 2024, ममता आएगी, ममता केजरीवाल। अरे मेरे भाई, अरे सुन तो, सुन तो, सुन तो ले मेरे भाई, 15 लाख मिले, 15 लाख, अरे रुको, सुनो मैं बताता हूँ, अरे सुनो तो सही, अरे मेरे भाई सुन तो लो, 15 लाख एक बार नहीं, हमें तो 5 बार मिले हैं, 370 गई, 3 तलाक गया, मंदिर बना, घुसके मारा पाकिस्तान में, घुसके मारा, और कितने 15 लाख चाहिए भाई? 15 लाख ये 15 ऐसे जुमला भाई, ये वोट के चक्कर में 15 लाख देने वाले हैं कहते हो, अरे हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी, सुनो, अरे सुनो, अरे बांग्लादेशी भारत में आता ही सिर्फ पैसे के लालच में है कि वहाँ पैसा है, वहाँ से पैसा लेऊंगा। बांग्लादेशियों की यही हालत है, बांग्लादेशियों की यही हालत है, कुछ भी नहीं, 24 में नहीं है, अरे एक के कहने से कुछ नहीं होती, एक से कुछ नहीं होती, भगवान करे जितने भी है बांग्लादेशी, अरे सुनो सुनो, भी है बांग्लादेशी, ये आई पैसे के लालच में है, भगवान हम राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए मरेंगे। बांग्लादेशी है जब बॉर्डर पे परफेक्ट नहीं हुई, नहीं बॉर्डर पे जब इतने फोर्स लगा रखो बांग्लादेशी आते कैसे? बताओ लोग कह दे, यूपी में मुलायम सिंह आएंगे, भगवान करे, सुनो भगवान करे आपकी उम्र 2099 तक हो, लेकिन 2024 नहीं 2029 में भी यही है भाई। चाय वाला है तो ठीक है, गाय वाला आएगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, सबकी सिर्फ हिंदुस्तान को अगर कोई बचा सकता है, जो अभी तक बचाया है, जो अभी तक पिछले 2014 से 22 तक तो सिर्फ और सिर्फ मोदी। घोटाला नहीं किया तो नहीं आ सकता, घोटाला कहाँ से आएगा? हर जगह से, कहाँ से? हर जगह 8 साल पकड़ी, पंजाब में कैसे सरकार बनी फिर? पंजाब में कैसे? पंजाब में तो वैसे भी मोदी का कुछ चलता नहीं है, राजस्थान में कैसे बनी? ऐसा नहीं है कुछ भी, सारे ईवीएम की घोटालेबाजी है, सब कुछ ईवीएम की है। जाएगी तो हमारे आंखों में मशीन पड़ जाएगी, अगर सब जगह सरकार जितवा लोगे तुम, ठीक है तो हम सवाल नहीं करेंगे, तो छोटी मोटी सरकार तुमको दिखाने पड़ेगा, छोटी मोटी सिटी तो दिखाने पड़ेगा ना, ठीक है? जहाँ से उनको मेन मुद्दा है ना कि यहाँ से हमारी सरकार पलट सकती है, वहाँ हारी हो तो बताओ बंगाली हारी कहाँ से? बंगाली में पूरी ताकत लगाई थी बीजेपी में, तो बीजेपी से कितनी ताकत लगाई थी, ये तो भैया और क्या बात हो रही है, कौन नेता जो टक्कर देगा 24 में? कौन देगा? जब तक ईवीएम चल रही कोई टक्कर नहीं देगा, जब तक ईवीएम से वोट डलेंगे ना बीजेपी कोई नहीं डालेगा। क्या कहेंगे? ईवीएम घोटाला भैया, आप कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है ना, ईवीएम है ना कुछ है, बिहार से सरकार चली गई, अभी अच्छी बता रहा हूँ, सिर्फ मोदी है, मोदी ही रहेगा, और आप भी 2024 में देख लेना, मोदी ही रहेगा, कुछ ईवीएम नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्य में बना कांग्रेस की सरकार, उस समय कहाँ ईवीएम, कहाँ है ईवीएम? आप राजस्थान में बन रहे, कहाँ है बीजेपी? कुछ ईवीएम नहीं है, सिर्फ ये है
सुनो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उसको पता चल गया 2000 में मोदी नहीं आने वाला, भाग गया उधर, बार बार पलटी मारते ना, क्यों भागा, उसको पता मोदी का सूत्रों का, फिर गठबंधन बनेगा बिहार में मोदी के साथ, पर इस समय मोदी शांत है। अब पूरा गठबंधन के साथ बिहार में बीजेपी सरकार आएगी, ममता बनर्जी आएगी, कहीं, अरे कहाँ है दीदी, वो तो गायब है दीदी।